हाँ पापा, बस घर ही पहुंच रही हूँ। अरे बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारी शादी के कार्ड्स आ गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। शादी के कार्ड्स आ गए। अच्छा सुनो, कल हम जाकर वाजपेयी साहब को सबसे पहला न्योता दे आएंगे। मेरी ओम प्रकाश जी से बात भी हो गई थी। जी। अच्छा अच्छा बेटा, तुम घर आ जाओ, फिर बाकी बातें करते हैं। जी पापा, बाय बाय। मैम मुझे तो इनवाइट करेंगी ना अपनी शादी में? कितने सारे काम बाकी हैं। कॉलेज में प्रोफेसर्स को कार्ड देने हैं, ब्रिज के घर पे, आप ही के घर पे, रणबीर के घर पे, ऑफिस में, और अमर सर, उन्हें मैं पर्सनली इनवाइट करूंगी। इतना कुछ किया है उन्होंने, मैं उन्हें खुद इनविटेशन कार्ड दूंगी। इतना तो बनता है ना? नहीं ना बेटा, तुम अमर सर को इनवाइट नहीं करोगे। पर अनन, नव्या कहा ना, तुम अमर सर को पर्सनली कार्ड देने नहीं जाओगी। अनन तुम, हम उन्हें इनवाइट करने जाएंगे। ऐसा करते हैं, अमर सर को डिनर पे बुलाते हैं, वहीं पे उन्हें कार्ड दे देंगे और इसी बहाने में उन्हें थैंक यू भी बोल दूंगा और सॉरी भी। ये बहुत अच्छा आइडिया, पर अनंत डिनर पक्का? क्यों नहीं? नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे अमर सर को डिनर ऑफिस के बाहर मिलना ही बेहतर रहेगा। ऑफिस का माहौल नहीं रहेगा ना, एक बार पूछ तो लो उनसे। मैं पूछ लूंगी। और मुझे भी बता देना ताकि मैं रिजर्वेशंस करा लूं। ठीक है? थैंक यू, आज मुझे यहाँ लाने के लिए, पूरी गैंग से मिलवाने के लिए, इतना सारा हंसाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बिल्कुल पुराने दिनों की तरह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। I promise. नमस्ते, देखिए हमारी नव्या की शादी है, आप जरूर आइएगा और पूरे परिवार संग आइएगा। पेट ऊपर जो भी लाना सब मेरे लिए लाइएगा। ओके बाय। बंदरिया ये ले, ये ले, ये ले, अरे लेना। मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था, माना क्यों? हमने चेक कर लिया, तेरा और अनंत का ही नाम है। मान्यवर सौभाग्यवती नव्या मिश्रा, सुपुत्री श्रीमती नीता मिश्रा एवं श्री दीपक मिश्रा। नव्या मिश्रा उर्फ बंदरिया। हर्ष बंदरिया, अरे को याद है वो दिन जब नव्या पैदा हुई थी? सच पूछो तो मैं इस पल वही दिन याद कर रहा था। इतनी सी थी ना, कितनी बड़ी हो गई यार। और उस दिन भी पता था कभी ना कभी तो ये घड़ी आएगी, और वही अब बिटिया है, विदा तो करनी पड़ेगी। ता तो था अम्मा जी, फिर भी जब हर्ष
क्या बातें हो रही हैं? कुछ ना, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब दीपू और मीता चैन की सांस ले सकेंगे। कैसे? अब छोटी का भी ब्याह हो रहा है, अब तो भैया इन्हें जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई। और करेक्ट दादी, हम सब भी इसके लिए बहुत खुश हैं। दादी, हम कल जा रहे हैं ना अनंत के यहाँ कार्ड देने के लिए। हाँ हाँ, कल शाम के वक्त। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं भी जरा गुड़िया को देख लूँ। हर्ष चल। अब हमें नव्या से भी बात करनी होगी, उसका काम छोड़ने के बारे में। वो शादी अब कुछ ही दिनों में है, फिर अनंत के घर वाले भी यही चाहेंगे कि हाँ हाँ यार, मेरा ही प्लान था अमर सर को मंडे रात को मिलने का। वाह वाह, क्या बात है, ऐसे अचानक? अरे यार, वो मेरा तरीका है अमर सर को सॉरी कहने का। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। अरे यार, हो जाएगा, तू फिकर क्यों करता है? चल यार रणबीर, अब रखता हूँ, बहुत सारी तैयारी करनी। ओए एक मिनट, तैयारी? क्या तैयारी, कैसी तैयारी? कहीं तू खाना वाना तो नहीं बनाने वाला है ना यार, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे नहीं यार, वैसे नहीं, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक करूंगा, होपफुली सब कुछ अच्छे से हो जाए, नव्या भी इंप्रेस हो जाएगी। अरे मेरे भाई, तुझे नव्या को इंप्रेस करने की क्या जरूरत है? शादी कर तो रही है तुझसे, और क्या चाहिए यार, तू कहीं फिर से तो वो सब। अरे यार वैसे नहीं, देख मेरी वजह से नव्या कितनी एम्बेरस हुई थी ना अमर सर के सामने, तो उसे भी अच्छा लगे। कूल। वैसे तू मुझे कभी डिनर पे लेके जा रहा है? क्या है कि कल रात के बाद मैं भी कुछ खास नहीं सोचता तेरे बारे में। अगर तू एक बड़ा डिनर करा के वेडिंग कार्ड देगा तो मुझे बुरा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन तुझे इनवाइट कौन कर रहा है? अबे होए, बस क्या, अमर सर को डिनर पे? हाँ अनंत का आइडिया है, मुझे भी ठीक लगा कि अमर सर को एक साथ शादी का कार्ड देते हैं, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही है। किस चीज के लिए हिम्मत नहीं हो रही है? क्यूपिड अमर सर को बुलाने की। अमर सर को शादी में बुलाना है? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ा बात है? आपी, मैं और अनंत अमर सर को इनविटेशन कार्ड देना चाहते हैं अपनी शादी का, डिनर पर बुलाकर। तो डिनर पर बुलाने से मुझे डर लग रहा है, अब समझी? तो ऐसे बोलना नव्या। अरे सिंपल सी बात है यार, एक काम कर, उनको फोन कर और बोल, हेलो सर, मैं और अनंत आपको मंडे रात को डिनर पे बुलाना चाहते हैं और हमारे वेडिंग इनविटेशन देना चाहते हैं, ओके? हाँ ठीक है। नव्या, वो तुझे खा नहीं जाएंगे, तू पागल मत बन यार, उनका नंबर घुमा। हाँ सुन, वैसे उनकी वाइफ का नाम क्या? शर्मिला ना? शर्मिष्ठा मैम। हाँ हाँ, जो भी हो उनको भी बुला लेना, ठीक है? नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है। थैंक यू, अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। डिनर? अब इसकी क्या जरूरत है नव्या? तो मुझे अभी अपनी शादी का इनविटेशन दे दो फोन पे। ये सब फॉर्मेलिटी क्यों?
नहीं सर, इसमें कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। वो एक्चुअली अनंत चाहता है कि, और मैं और अनंत हम चाहते हैं कि हम आपको डिनर पे इनवाइट करें, और वो आपको और शर्मिष्ठा मैम को डिनर पे इनवाइट करें और अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड दे। तो सर मंडे रात को आप डिनर के लिए फ्री हैं? ओके नव्या, अब तुम इतना कह रही हो तो थैंक यू सर। मैं शर्मिष्ठा मैम को भी फोन करके, नहीं मैं खुद उसे बता दूंगा, डोंट वरी। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि वो फ्री भी है कि नहीं, पूछ के बताता हूँ। ओके थैंक यू सर। तो मंडे रात को, यप, सी यू, बाय। अनंत को मैसेज करती हूँ, मंडे रात के लिए। अमर सर ने हाँ कह दिया। अनंत वो क्या पढ़ रहा है तू? वो ये इकोनॉमी प्लस। तू और इकोनॉमिक प्लस? क्यों, मैं जीके नहीं बढ़ा सकता अपना? नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल बढ़ा सकता है, क्यों नहीं। पर भाई पता है इसमें लिखा है टीबी के स्टॉक रेट्स ऊपर गए। अच्छा टीबी की फुल फॉर्म पता है तुझे? क्या होती है टीबी की फुल फॉर्म? हाँ हंसलो हंसलो, मैं खुद ही पता कर लूंगा, कोई कोई जरूरत नहीं। पता है एक ये बात तुझमें बहुत अच्छी है, तू गलती करता है और सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। थैंक्स भाई। अरे मिल गई टीबी की फुल फॉर्म। क्या है? थैंक्स भाई। सच में ना मैं ठीक हूं दी, प्लीज। मैं जानती हूं जब दादी ने कहा तो आपको बुरा लगा। नवी सच कहूं? हाँ मुझे बुरा नवी, लेकिन मैंने सोच लिया है मेरी खुशियां गुड़िया से हैं, तुझसे है मेरी खुशियां। मेरी छोटी बहन की शादी है और ये पल ये खुशियां मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दादी ने कुछ भी कहा वो जानबूझकर नहीं कहा, मैं जानती हूं। नवी बस ये तलाक की भागदौड़ जल्दी खत्म हो जाए। माँ पापा को लग रहा होगा ना कि उनकी बड़ी बेटी अपने पति से छुटकारा पाने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। नहीं दी, ऐसा ख्याल भी किसी को नहीं है। नवी मुझे तो बस एक बात की फिक्र है कि गौतम तेरी शादी में कोई तमाशा ना खड़ा करे। माँ पापा दादी सब लोग पहले से इतने परेशान हैं, गौतम की वजह से कहीं तेरी शादी का माहौल ना खराब हो जाए। नहीं दी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए।
सॉरी यार, कल रात को कॉल नहीं कर पाया, मैं कुछ पढ़ रहा था, उसके बाद भाई आ गए, उसके बाद हम टीवी देख रहे थे, कुछ न्यूज़ वगैरह देख रहा था। अनंत सच बता, तुम्हें अचानक से हो क्या गया? टीवी देख रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे। अरे यार, तुम भी भाई की तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता, मैं न्यूज़ नहीं देख सकता। अनंत सच बोलो, तुम न्यूज देख रहे थे या मोहन भैया? अच्छा हुआ देख लिया, मैं तो भूल ही गया था, आज शाम को ही दे दूंगा। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। माँ गुड़िया, मेरा बच्चा,
आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दादी मैं जानती हूँ गौतम को, वो चुप नहीं बैठेगा, उसे गुड़िया की कोई चिंता नहीं है। अरे बाप है वो इसका, इसे चोट ना पहुंचाएगा। चोट तो वो मुझे और हम सबको पहुंचाना चाहता है। वो इतनी आसानी से ये तलाक होने नहीं देगा। आज गुड़िया तो कल इस बात की फिक्र हो रही है कि कल को नव्या की शादी में कोई तमाशा ना खड़ा कर दे।